Hello brilliant students, this time we are doing third question for class 8th section 9.5. Isme kya hai? Find the squares by using the identities. Hame squares find out karna hai of these expressions jo hum ye sums de rakhe hain. देखिए इसमें क्या करना होगा, पावर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि हमें सेम आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है. या तो ये होगा a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, या फिर ये होगा a माइनस बी इंटू में a माइनस बी. तो इन दो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होगा. ओके, लेट अस डू. फर्स्ट के अंदर b माइनस सेवन होल स्क्वेयर, इट्स मीन इट इज बी माइनस सेवन, बी माइनस सेवन. वी कैन राइट द आइडेंटिटी ऑन द राइट हैंड साइड, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर. We are taking this 2ab term in between these 2a square and b square, so that we will be able to do the question in a right way. And we need not to write more expressions, more statements. So we are taking this 2ab in between. यहाँ हम इसे बीच में लेंगे. B minus 7, B minus 7. तो फर्स्ट वाली का स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस टू इंटू बी इंटू सेवन प्लस सेवन स्क्वेयर. हमारे पास यहाँ पर जो ए है वो है, कंपेयर अगर करें तो ये ए हो गया और बी वो ये बी हो गया और बीच में माइनस का साइन है. ओके, बी स्क्वेयर माइनस टू सेवन जार फोर्टीन बी प्लस फोर्टी नाइन. ओके, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम इज दिस वन, एक्स वाई प्लस थ्री जेड होल पावर टू. Because here is plus sign, it means that it is we will use the identity of a plus b into me a plus b. X y plus 3 z identity is using a plus b is equal to a square plus 2 a b plus b square. ओके, अब इसको पहले वैसे लिख देते हैं एक्स वाई प्लस थ्री जेड, ताकि आप समझ पाए कि ये वही आइडेंटिटी है. अब एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टू इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. पहली वाली टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस में टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म प्लस में सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी भी पावर टू होगी और इसकी भी पावर टू होगी. टू इंटू थ्री सिक्स, एक्स वाई एंड जेड एंड नाइन जेड स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव वाई स्क्वेयर. यहां माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी. तो क्या किया हमने,
using a minus b, a minus b is equal to a square minus 2ab plus b square. यहाँ आएगा 6x minus 5y, 6x minus 5y. ओके, तो 6x पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लेंगे. सेकंड टर्म स्क्वायर देखिए 6 पावर 2 है 36 आ गया, x पावर 2 होगा x स्क्वायर आ गया, दोनों की ही पावर 2 होगी. माइनस 2 6 जार 12 5 जार 60 एक्स वाई, 5 5 जार 25 वाई स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट फोर्थ दिस वन 2 बाई 3 एम प्लस 3 बाई 2 एन पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 3 एम प्लस 3 बाई 2 एन 2 बाई 3 एम प्लस 3 बाई 2 एन. तो यहाँ लगेगी जो आइडेंटिटी वो होगी a प्लस बी, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में पहली वाली टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. अब 2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9, एम पावर 2 एम स्क्वायर, यानी कि जो भी यहाँ पे मल्टीपल है सबकी पावर 2 होगी. ध्यान दीजिएगा, गलती ना कीजिएगा. अब इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 2 बचा है और एम एन बचा है. 3 पावर 2 9, 2 पावर 2 4, n पावर 2 n स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ 0.4p माइनस 0.4q पावर 2. तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें. क्या होगा a माइनस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या लिखेंगे यूज करते हुए. ओके, तो क्या हुआ ऊपर वाली के लिए 0.4 का होल स्क्वायर, पी भी साथ में है. याद रखिए किसी टर्म को भूलिएगा नहीं, क्योंकि टर्म अगर आप भूल गए, कोई वेरिएबल आप भूल गए तो वे वेरिएबल नाराज हो जाएंगे, और वेरिएबल नाराज हुए तो वो आपके क्वेश्चन को गलत कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत, टीचर नाराज, और वो आपके मार्क्स काट लेंगे, तो नुकसान हो जाएगा. इसलिए इन्हें नाराज ना कीजिए. माइनस 2 इंटू में 0.4p इंटू में 0.5q प्लस 0.5q पावर 2. 4 4 जार 16, डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें है, डेसिमल के बाद एक डिजिट एक और 0.4 है उसमें है, तो दो डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी पी स्क्वायर. या ये ले लीजिए कि जब स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल दो डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट है स्क्वायर के अंदर
तो चार डिजिट डबल से पहले डेसिमल लगेगा। माइनस 2 4 8 5 40, डेसिमल बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, दो डिजिट के पहले डेसिमल यहां लग गया, 0.40 हो गया, 0.4 पी क्यू। वेट अ मिनट, दोबारा से देखते हैं, 2 4 8 8 5 40 हमने किया 40, और 40 डेसिमल बाद एक डिजिट, डेसिमल बाद एक डिजिट, दो डिजिट के बाद डेसिमल, आंसर 0.4 ही आ रहा है, कुछ तो कमी है, कोई कमी नहीं है। हमें लॉजिक तो लगाना चाहिए कि भाई हमने कुछ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर वही का वही आ रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही आना चाहिए। लेकिन ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऐसा होता है, क्योंकि ये भी हाफ है और ये टू है, टू से नीचे वाला टू इसे कट जाएगा और 0.4 ही बचेगा, तो 0.4 पी क्यू हमारे पास बचा है, प्लस में 0.5 5 5 25, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो दो डिजिट पहले डेसिमल लगा, 0.25 क्यू स्क्वेयर, ये हुआ हमारा आंसर। नाउ वी आर डूइंग लास्ट पार्ट। टू एक्स वाई प्लस 5y होल स्क्वायर, तो ये हुआ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग a प्लस बी पावर 2 इजिकल टू, यानी कि a प्लस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पहले वाले की टर्म की पावर 2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म पहले वाली टर्म इंटू में सेकंड टर्म 5y दूसरी टर्म प्लस 5y होल स्क्वायर, 2 पावर 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 2 जार 4 5 जार 20 एक्स वाई स्क्वायर, 5 5 जार 25 वाई स्क्वायर आंसर। This way we have completed this third question also. In next video we'll do next sum. Till then have a nice time. Have a great time.